झरना झरे गोमुख भरे निर्भय नाथ की ठोड़, 100 करोड़ बरस तप करे जद पावे गढ़ चित्तौड़। मैं चित्तौड़ हूँ, मेरी मिट्टी में छुपे हैं कई किस्से, पर मेरी पहचान है त्याग, बलिदान और समर्पण। चाहे पन्ना धाय का त्याग हो, पद्मिनी का बलिदान और मीरा का भक्ति समर्पण, मैंने हमेशा अपनी पहचान बनाए रखी। चित्तौड़ की पीढ़ियां टेक्नोलॉजी के आगमन पर रफ्तार तेज कर मुझसे कुछ दूर चली, लेकिन अपनी हर संतान से मेरे प्यार ने मुझे हर पल उनकी ओर खींचा। आपको पता है, मैंने टेक्नोलॉजी से दोस्ती भी कर ली, अपनी उन संतानों के लिए जिनके पास 3 प्राथमिक आवश्यकताओं में सर्वप्रथम अन्न, अनाज, रोटी की कमी हो रही थी। शासन, सरकार, नांदी फाउंडेशन और वेदांता द्वारा चलाई जा रही मिड डे मील परियोजना मेरे नौनिहालों को दोपहर का भोजन, दिन भर का उत्साह और खुशी दे रहे हैं। हर एक दिन हजारों से लाखों बच्चे इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। यह परियोजना जो सरकार, नांदी फाउंडेशन और वेदांता से चल रही है, उसमें जब से मैंने ज्वाइन किया है तब में लगता है कि मेरा परिवार में हम 20,000 सदस्य और उसका परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो रोटी होती है वो हम सप्लाई करते हैं। और जब हम रूट पे जाके देखते हैं कि कोई बच्चा खाना खा के जो खुश हो रहा है और उस खुश होने के बाद जो खाना खाने के बाद स्माइल जो उसके चेहरे पर दिखती है, उससे बड़ी खुशी और हमें नहीं मिल सकती। टेक्नोलॉजी ने मुझे भी वो रफ्तार दी जिसने मुझे कम समय में भी अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक प्यार पहुंचाने में समर्थ बनाया। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी दोस्त टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ आज की बाल पीढ़ी को मजबूत किया है, बल्कि मेरी मर्यादा का सम्मान भी बचाया और आने वाले कल को भी सुदृढ़, संगठित और स्वावलंबी बनाया है। तो बच्चों में जो समानता की भावना है, एक जैसा खाना जो खा रहे हैं, उस खाने से बच्चों में एक जो ऊंचे नीचे का जो भाव है वो समाप्त हुआ है। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ मैं कल, आज और कल का चित्तौड़।